मैंने बड़ी गलत टाइम पे शादी करी, तो मेरा ये मानना है कि लिव इन में रहना चाहिए। अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, करनी है साल दो साल में, जब भी होगा कर लूंगी। एटलीस्ट 18 प्लस होना चाहिए। हाल ही में हुए एक सर्वे के हिसाब से भारत में ज्यादातर लोग शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक तरफ लड़के जो शादी नहीं करना चाहते उनकी तादाद तकरीबन 21% से बढ़कर 26% हो गई है, तो वहीं लड़कियों का भी यही ख्याल है। 15 से 29 साल के अनमैरिड लोगों की तादाद 17% से बढ़कर 23% हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा अनमैरिड यूथ दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यूथ से सीधा पूछ लें कि शादी के बारे में उनकी क्या राय है, किस उम्र में शादी करनी चाहिए और उनके शादी के क्या प्लान्स हैं। चलिए देखते हैं। आपका नाम? अक्षत। सौभाग्य गुप्ता। अभिषेक मिश्रा नाम है मेरा। संजना रैना। मेरा नाम मानव है। करिश्मा। मेरा नाम अतुल गिरी है। स्मिता। माय नेम इज अक्षय शर्मा। मेरा नाम हरीम है। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। नेहा दुबे। आपकी उम्र? 28। आपकी शादी हो गई? नहीं अभी नहीं। 26। आपकी शादी हो गई? नहीं अभी नहीं। मेरी उम्र 28 है। तो आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। 26। तो आपकी शादी हो गई? नहीं। उम्र? मेरी उम्र है 27। नहीं। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी तो नहीं किया मैंने शादी। 30। आपकी शादी हो गई? मेरी शादी अभी नहीं हुई है। मेरी उम्र है 24। 29। आपकी शादी हो गई? नहीं। 28। आपकी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई और I have a son as well. 36। तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, मेरी उम्र 30 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी शादी हो चुकी है। आपकी उम्र? 30 साल। आपकी शादी हो गई? जी बिल्कुल, 21 साल पहले हुई है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मेरी शादी 24 की एज में हुई थी। When I was 26। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि अभी सही टाइम नहीं लग रहा। मेरा ये मानना है कि लिव इन में रहना चाहिए। कोई सही पार्टनर नहीं मिला है अभी तक? अभी तक इसलिए नहीं की कि अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। उसका रीजन ये है कि शादी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को एज ए गारंटी लेने चाहिए कि अब तो तुम मेरी बीवी हो और अब तो तुम मेरे पति। अभी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। आई वॉज नॉट रेडी और मैं अभी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। आई थिंक जब इसका परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, तो जब उसका परफेक्ट टाइम होगा तो वो हो जाएगी। फिलहाल तो प्लान्स नहीं है बिकॉज प्लान्स करियर के ज़्यादा हैं, तो अभी तो थोड़ा ब्रेक लूंगी शादी में। लाइक आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड आफ्टर 28। 29 तक नहीं की, लेकिन हाँ आगे करनी, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है, करनी है साल दो साल में, जब भी होगा कर लूंगी। शादी डेफिनेटली करनी है एंड प्लान्स हैं, बट अभी थोड़ा मुश्किल लग रही है राह। अभी तो लगता नहीं है, अभी तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना पर्सनल ग्रोथ वो पहले है, प्रायोरिटीज अलग हैं, तो जब उसका भी टाइम आएगा तो वो देखेंगे। मैं शादी के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानता। हाँ मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए, तो साल दो साल में हाँ मैं सोच सकती हूँ कि हाँ आई शुड गेट सेटल नाउ। नॉट रियली राइट नाउ, बट हाँ अगर कभी लगता है कि हाँ सेटल होना है, अभी तो मेन फोकस करियर पर है। आई थिंक शादी की सबसे बेस्ट एज तो वही होनी चाहिए कि जब इंसान को लगे कि वो एकदम कंफर्टेबल है हर चीज़ के लिए, सेटल्ड हो गया है और अब एक नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। मैंने बड़ी गलत टाइम पे शादी करी। Oh, no. क्योंकि मुझे अब ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ। शादी की कोई उम्र नहीं है, उम्र होती है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए रेडी हैं या नहीं। नहीं कम एज में तो शादी नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट 18 प्लस होना चाहिए। मेरे हिसाब से शादी की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब मेंटली प्रिपेयर हो, आपको लगे कि हाँ आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ मतलब बिता सकते हो, आप शादी कर लो। ललित मोदी अब जाके सुष्मिता सेन से शादी कर सकता है, तो इसका हमें ये मतलब समझ में आता है कि शादी कोई एज नहीं होती, क्योंकि शोएब अख्तर 22 की लड़की शादी कर सकता है। Oh, no. सैफ अली खान अपने 10 साल नीचे कर सकते, तो शादी की एज तो कुछ हो ही नहीं। मेरे हिसाब से दो सही उम्र है शादी की, या तो बिल्कुल ही 22 में कर लो या 42 में कर लो। क्या कि 22 में करने से क्या होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी, सीख जाओगे, बच्चा बचपन में जल्दी सीखता था ना चीज़ें जो हम छोटे होते हैं, तो आपको आदत पड़ जाती है चिक चिक की, ताम झाम की, भाग दौड़ की, अपने आप के अपने मन को मारने की। 42 तक आदमी सुन हो जाता है। 27-28 में जाके आपको शादी करनी चाहिए, वो सही एज है, परफेक्ट एज है। देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कोई जल्दी शादी करना चाहता है, कोई बाद में। शादी करना सबके लिए जरूरी भी नहीं है, कि डिफर भी करता है, अगर कोई नहीं भी करना चाहता तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की कुछ उम्मीदें होती हैं, सोसाइटी की कुछ उम्मीदें होती है, ह्यूमन साइकिल है।
और इंडियन सोसाइटी भी कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव है शादी को लेकर। शादी करने से पहले थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, दैट इज द मेन रीजन दैट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। जो चीज सही नहीं है उसका कोई सही समय तो होता नहीं, करनी पड़ती है, तो जब हो गई तब हो गई। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायोलॉजिकली देखें, तो डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि विद इन 30 आपकी शादी हो जानी चाहिए। सो बट आई थिंक अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें तो आजकल तो लोग आफ्टर 30 भी करते ही, लाइक अराउंड 30-31 में देख सकते हैं कि ठीक है, तब तब तक टिल 30 जस्ट फोकस ऑन योर करियर, दैट्स माय मंत्रा। शादी की सही उम्र वैसे तो जब इंसान के पास सारी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं तो वो कर ही लेता है शादी, हमारी भी आ जाएगी, हम भी कर लेंगे। गेटिंग मैरिड एट 26 इट इज परफेक्ट, आई थिंक दैट शुड बी द एज। आपको लगता है कि अब आप 25 की उम्र में आके आपको लगता है कि आप शादी कर सकते हो, आप किसी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो, तो आप 25 में कर लो। मेरे हिसाब से शादी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, शादी होनी चाहिए कम से कम 26 से 27। 28 मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट एज होगी, क्योंकि देन दे से नो कि आपकी बायोलॉजिकल साइकिल भी स्टार्ट होती है, सो 28 से 32 तक एंजॉय करो एंड देन स्टार्ट अ फैमिली आफ्टर 38। लिव इन में रहो, एक दूसरे की इज्जत बनी रहेगी और जब चाहेंगे तब गिव अप कर सकते हैं, और उससे क्या है कि सिर्फ हम और वही इफेक्ट होंगे, न मेरा पीछे का परिवार न उसका पीछे का परिवार इफेक्ट। पहले अपने बच्ची को आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए, उसके बाद उस लड़की को भी लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास ना खुद का घर है, खुद की गाड़ी है और मेरे अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपए हैं, उसको लगता है कि अब मैं शादी कर सकती हूँ।